पायलट ने अज्जू भाई की तारीफ करी। अब आजम अरे यार इनके पे भी ऐड नहीं आ रही। पैसा कम कमा रहे हैं ये भी, मेरी तरह है ये, कम पैसे वाले हैं, थोड़ा कम पैसे वाले। गाइस जल्दी से 10,000 लाइक करेंगे, जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो गाइस। स्काई भाई इस पे बताना चाहते हैं कि फ्री फायर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ई स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि तो इस तरह से पता नहीं कौन सी बात करने वाले कुछ ऐसा टॉपिक के ऊपर जिनके ऊपर हर कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि तो यार देखो सब लोग बिजी हैं, ओनली मैं ही वेला हूँ यहाँ पे। बिजी से मेरा मतलब फिरैंक में तो करना है, कलेक्शन वर्सेस नहीं करोगे क्या तुम, वो नहीं देखोगे क्या? अच्छा सही बताओ गरीना सेंटर में गिफ्ट देखा कि नहीं देखा? खैर छोड़ो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब मजा बहुत आएगा। अब पूरी कम्युनिटी में स्काई और टीजी का मतलब बहुत गहरा रिश्ता है। स्काई और टीजी दोनों मतलब बहुत प्यारे रिश्तेदार हैं, दोनों में बहुत मेल जोल है। हेलो जॉन्टी भाई लव यू राइडर जॉन्टी हूँ कस्टम वाला ओ राइडर जॉन्टी। सच में मुझे ऐसा लगता है कि स्काई लॉर्ड और कौन है फाड़ी देना भाई, फाड़ी देना क्या करा, ये जो इस पर टेबल है ना ये टेबल तोड़ दिया, तो अभी वो गेटे खड़का रहा है मेरा टेबल बदल गया। तो भाई स्काईलॉर्ड और टीजी का बहुत प्यारा रिश्ता है। गाली देगा भाई, गाली हुई ना तो यार मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे गाली थोड़ी होती ब्रो, मत देखो इसकी वीडियो। सही बताओ यार गाली देगा क्या? सही में गाली है क्या? हल्ला हो रखा कि फौजी अजय ने टीजी की टीम छोड़ दी है, टीजी मतलब हमारे इज्जू भाई की टीम को छोड़ दिया है फौजी अजय। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा, देखो डेमोक्रेसी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर छोड़ा तो छोड़ा क्यों, और इसके पीछे भी एक कारण है, जनता जो है वो सास बहू के नाटक कुछ ज्यादा देखती है, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें कि यार देखो लड़ाई हुई होगी इज्जू भाई की, जब फौजी भाई जाके अज्जू भाई की चोटियां खींच दी होंगी, इसीलिए तो टीजी ई स्पोर्ट्स अब माफिया बन चुकी है। बता रहा हूँ पिकाचू लोग कुछ ऐसे ही सोचते हैं, और जो लोग भी उम्मीद लगा के बैठे, यार ये पिकाचू वर्ड बोलता है ना, ये पिकाची वर्ड बोलता है तो मेरे को सच्ची में खुदा सी आ जाती है। स्काई का पिकाचू और स्काई का अज्जू भाई, ये दोनों मतलब मेरे को लग रहा है कभी खत्म नहीं होगा भाई। और लेकिन सच्ची बताओ मेरे को ये पिकाचू वर्ड ना इसके मुंह से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, स्काई के मुंह से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को पिकाचू वर्ड, झूठ नहीं बोलिए। ये इसके पिकाचू वाली वीडियो देखनी है मेरे को पिकाचू वाली इसकी वीडियो देखनी है, आज इसकी पिकाचू वाली वीडियो देखो, मेरे को समझ नहीं आता है ऐसे पिकाचू स्काई भाई को मिलते कहाँ से, मेरे को तो ऐसे पिकाचू नहीं मिलते। पिकाचू कुछ अलग सोचेगा तो भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, पिकाचू पिकाचू ही होता है, और इजू भाई मतलब पिकाचू भंड वाला पिकाचू, बहुत भयंकर वाला पिकाचू। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, अब देखो बाकी दुनिया कुछ भी कहे। कल मेरा पेपर है, अगर कम मार्क्स आए तो पीटीएम में आपको बुलाया जाएगा, लगता है आप भी, अभी मैं तुमको बुलाता हूँ थोड़ा, अभी तुम गेम में आना, अभी तुम्हारे प्री बोर्ड की भी बात करेंगे, वेट करो तुमसे आज बातें करूंगा भाई एग्जाम की, जिंदा हूँ जिसका कल एग्जाम है पूरी बातें करेंगे, आज फुल तुम्हारी स्ट्रेटेजी जानेंगे कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी है तुम्हारे पास। जो 10 मिलियन 5 मिलियन 15 मिलियन वाले कुछ है ना, उन कुछ से तो कई गुना ज्यादा बेटर है हमारा ये। और रही बात ई स्पोर्ट्स की, और ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में देखो भाई ईजू का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, हाथ पैर नाक कान गला सब कुछ है उसका, और अगर तुम इस बात से अग्री करते हो तो प्लीज कमेंट, बस देखना चाहता हूँ कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का, अब दो दिन से चैट पे स्पैम और अपना ओपिनियन बताओ, जैसे मेरा ओपिनियन बहुत मैटर कर रहा है ना, और कुछ लोग तो मुझसे इस बारे में ऐसे पूछते हैं जैसे रात में सपने आ रहे हो कि देखो भाई ऐसा हो रहा था इसीलिए इनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन देखो जब बताती है ओपिनियन पेलने की तो मैं एक ही ओपिनियन पेल लूंगा कि जो भी होता अच्छे के लिए होता है, और जो भी हुआ ये भी अच्छे के लिए हुआ, और उसमें अज्जू का कोई घाटा नहीं, वैसे अज्जू कोई नई टीम मिल जाएगी और बेटर टीम मिल जाएगी, वैसे अभी कोई ऐसी कुछ बेटर टीम है नहीं जो भी फ्री हो, सभी टीमें किसी न किसी के साथ साइन हो रखी है ऑलरेडी अभी टाइम में, तो यहाँ पे अभी अज्जू भाई को नई टीम ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और क्या पता वो नई टीम ना ढूंढे या फिर कुछ और भी चमत्कार कर सकते हैं, देखो भरोसा नहीं वो अज्जू है वो कुछ भी कर सकता है। एक बात बताओ यार कहीं अज्जू नासा वाला तो नहीं है? नासा वाले बहुत खतरनाक है। और अब बताती तुक्के मारने के, देखो सब लोग सोच रहे हैं आखिर क्यों इज्जू भाई से अलग हो गए फौजी भाई, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, आखिर क्या चल रहा है इनके? देखो भाई इस बात का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मैं सिर्फ अंदाजे लगा सकता हूँ, तो पहला अंदाजा मैं यही लगाऊंगा या फिर तुक्का बोल दो तुम इसके, फौजी अजय को आ गया किसी इंटरनेशनल और का इन्विटेशन, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इवोस में जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इवोस इंडिया में आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो हालत, अरे यार ये तो मैंने ही बोला था भाई,
मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो इवोस में जा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है किसी, मुझे ऐसा लगता है किसी और में ही जा रहे हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे को ऐसा लगता है किसी और में ही जा रहे हैं। पिकाचू वाला वीडियो हाँ देखो, मेरे को लगता है किसी और में ही जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, बाकी मुझे पता नहीं, बट मुझे मेरा तो यही है कि और में ही जाएंगे, देखना। क्योंकि कुछ मैं इंसैनिटी के साथ भी वैसा कुछ कर रहा हूँ, इंसैनिटी के साथ भी वैसा कुछ कर रहा हूँ अभी, तो मेरा भी वही सीन चल रहा है। शैडो शूटर का व्लॉग हाँ उसने डाला, मैं देखता हूँ। हाँ शैडो शूटर का व्लॉग, मैं शैडो शूटर के व्लॉग में वो डांस कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंडिया में फ्री फायर की तब से मुझे लगता नहीं कि इवोस आएगा इंडिया में, तो इंडिया में इवोस के ना आने का ये था रीजन नंबर वन। दूसरा रीजन, इवोस की टीम्स ऑलरेडी दूसरे रीजन से उसके पास है। हाँ, अभी डिसबैंड हो गए तो नहीं बोल सकता, लेकिन थी है, अभी शायद है, जाता है मुझे लगता है। और इवोस के पास और भी ज्यादा बेटर ऑप्शन है अभी के टाइम में, क्योंकि देखो भाई पैसा बहुत है, फेम भी बहुत है, क्योंकि देखो अभी के टाइम में कुछ नहीं भाई। प्रतिभा स्कूल में हूँ तो गर्ल्स और बॉयज साथ में पढ़ते हैं, तो बस बगल वाली लड़की से पूछ लूंगा, साइंस का पेपर है, झंडे गाड़ कर आ जाऊंगा। अबे रुको, तुमसे भी देखो, तुम अगर ऐसे बोलना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर अभी मैं तुम्हें लाइव पे बुलाऊंगा, एक एक करके मुझे अपने व्यूज बताना कि तुम्हारा क्या क्या सीन है, पेपर कैसे पास करोगे पूरा, क्योंकि देखो तुम पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज हो, तुम पढ़ाई लिखाई में तो मतलब तुम, मैं कह रहा हूँ 100% से भी ऊपर नंबर ला दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या है, नहीं वो इतनी बड़ी और कि अगर वो किसी टीम के ऊपर हाथ रखती है कि आप हमको ज्वाइन कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम में कोई टीम मना करेगी। लेकिन जो इवोस वाली अफवाह फैल रही है ना, तो इसमें सच्चाई हो सकती है 10%, मेरे को थोड़ा सा 19-20 काम लग रहा है। लेकिन देखो जो भी है, जिसने भी अफवाह फैलाई है ना, मैं एक ही बात कहूंगा, गजब तू भी आ, आप कुछ लोग और महान है, कुछ लोग तो यह अफवाह भी फैला रहे हैं कि जो टोटल गेमिंग टीम थी जो अभी टीजी माफिया बन चुकी है, वो 7 सीज ज्वाइन कर रही है। लेकिन इस बात की मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि फौजी अजय अज्जू को छोड़कर 7 सीज ज्वाइन कर लेगा। इवोस का तो मैं मानता हूं, चलो ठीक है, इवोस अपनी जगह पर सही है, एक बार को मैं मान भी लूंगा कि द माफिया जो थी वो इवोस बन गई, लेकिन 7 सीज ये मेरे हलक के नीचे नहीं उतर रही। हां वो बात अलग है कि पैसों का खेल चल रहा है और थोड़ा सा ज्यादा सैलरी ऑफर कर दियो तो शायद यहां पर फौजी अजय मान जाए, लेकिन देखो ये भी नहीं लगता मुझको। लेकिन होता क्या है कि पैसा के बाहर भी एक दुनिया होती है, जो भाईचारा सब, और चैनल को पुश और बहुत अज्जू दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता आज के टाइम में, और सच बताओ तो कोई देता भी नहीं है अभी के टाइम में, मात्र टीएसजी और अज्जू दो ही लोग। टीम बनाना, उस पूरी टीम को सपोर्ट करना, उनके चैनल को ग्रो करना, बात होती है। और हमारे फ्री फायर में ये चीज कोई नहीं कर पा रहा है अभी भी टाइम में, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अज्जू 100 टाइम बेटर बाकी हो, और होप तो मेरी भावनाओं को समझोगे और इस बात से अग्री करो, कमेंट करके बता देना, मैं भी तुम्हारे ओपिनियंस पढ़ते रहता हूँ। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, अब बहुत लोग जानना चाहते। स्टाइलोर ने अज्जू भाई की तारीफ करी,